मणिपुर से वायरल हो रही वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, पीएम ने सख्त लहजे में एक्शन की बात कही। मगर क्या आप मणिपुर की बेटी को पकड़कर ले जा रहे मुख्य आरोपी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम हुइरेम हेरोदास मैतई है और उसकी उम्र लगभग 32 साल बताई जा रही है। यह शख्स पैची अवांग लिकाई का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक इस जातीय परेड को अंजाम देने और लोगों को भड़काने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैतई ही था। सरकारी आदेश की वजह से वो वायरल वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं कि उस वीडियो में आखिर था क्या और उसमें इस मुख्य आरोपी की भूमिका क्या थी। वीडियो में आरोपी ने हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और वो महिला को पकड़कर भी ले जा रहा है। सैकड़ों लोगों के साथ दो निर्वस्त्र महिलाओं को ले जाया जा रहा है और यही शख्स मुख्य भूमिका में भी नजर आ रहा है। इस जघन्य अपराध पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया तो हमने आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया। हालांकि इस घटना पर राज्य सरकार पर विपक्ष की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि ये वीडियो 4 मई का है, लेकिन सरकार को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो सरकार की नींद खुली और प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया। तो दोस्तों, इस आरोपी पर और सरकार की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।